नमस्कार, मैं पंकज तिमोर और आप देख रहे हैं बोराइल न्यूज़। जातिंगा, जी हाँ, जातिंगा बोलने से आप सभी को पता है जो जातिंगा क्या मतलब फेमस है और जातिंगा को लेकर व जातिंगा एरिया को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 144 13 जुलाई से लगाया गया है। जी हाँ, जातिंगा क्योंकि बर्ड फेनोमेनन के लिए फेमस है और जातिंगा के एरिया में अगस्त महीना से चिड़िया का जो माइग्रेटरी बर्ड जो है वो आने को शुरू हो जाता है और उसी को चलते एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जातिंगा के ऊपर व जातिंगा के एरिया जो एंटायर एरिया के ऊपर एक 144 लगाया गया है। ये 144 में जो लोग केदार होकर बैठ नहीं पाएगा, कैटीबोल लेकर यहाँ घूमना मना है और हाई पावर जो लाइट है उसको भी बैन किया गया है। ये जातिंगा आप सभी को पता है, जो जातिंगा जो अगस्त महीना से शुरू होकर अक्टूबर महीना तक जो चिड़िया का जो आगमन यहाँ होते रहता है और उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलोंग विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरे जातिंगा, नॉट ओनली जातिंगा और दोहिंग जो गांव, उन इन सभी गांवों में 144 लगाया गया है। चलिए इस विषय में जो DFO तुहिन लंगथा सा उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। द फेमस जातिंगा बर्ड फेनोमेनन अभी शुरू होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त से शुरू होता है एवरी ईयर। तो एज ए प्रिवेंटिव मेजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 144 डिक्लेयर हुआ है for protection of these birds. During 144, carrying of poles, long bamboo poles, high beam, high power lights, halogen specially, halogen lights, उसके बाद catapult band है इस वक्त। ये basically किया गया है to protect our wildlife, especially birds of Jatinga. आपने सुना जो DFO तुहिन लंगथा से ने क्या कहा? जी हाँ, जातिंगा जो अपने आप में एक सुंदर जगह है व सुंदरता उनका अपने आप में है और इसी सुंदरता को और भी बरकरार रखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यह इनिशिएटिव लिया गया है। यह जातिंगा जो बाहर से जो चिड़िया यहाँ आकर किस तरीके से सुसाइड करते अभी तक किसी को पता नहीं चला है। हालांकि पहले यहाँ पे इस चिड़िया को मारा भी जाता था, लेकिन अभी डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी इनिशिएटिव लिया है जो अभी इसको मारने में एक पाबंदी है प्लस एक क्राइम भी है। जी हाँ, ये जो चिड़िया है ये जातिंगा को और भी सुंदर बनाता है। हालांकि अगस्त महीना से इसका शुरुआत होने जा रहा है और ये चिड़िया को प्रिजर्व करने के लिए व नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 144 लगाया गया है। हम आशा करते हैं जो डिमासा डिस्ट्रिक्ट में अभी जिस तरीके से टूरिस्ट आने शुरुआत हुआ है, हम आशा करते हैं अगस्त महीना से अक्टूबर महीना के बीच और भी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और जो बाहर के जो टूरिस्ट हैं उनको हम बोराइल न्यूज़ की ओर से भी आमंत्रण देते हैं। इसी तरह डिमासा का हर एक न्यूज़ को आप देखने के लिए देखते रहे बोराइल न्यूज़ और बोराइल न्यूज़ को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।